स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनफोरम मैथमेटिक्स पर। आज हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि से सवालों को हल करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं। 3x प्लस वाई बराबर 4 और x प्लस 2y बराबर 3, ये सवाल दिया हुआ है। इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। इससे पहले हमने जो विधि सीखी थी उसका नाम था प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, विलोपन विधि में क्या करते हैं, विलोपन विधि में हमें किसी भी एक चर x या y को विलोप करना होता है। तो विलोप करने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे y दिया हुआ है और यहाँ पे कितना है 2y, और यहाँ पे x है 3 और यहाँ पे x है 1। तो हमें किसी भी एक चर को पहले क्या बनाना है, बराबर बनाना है। ठीक है, तो किसी भी एक चर को बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो मैं इसमें x को बराबर बना लूं, तो x को बराबर बनाने के लिए यहाँ पे अगर 3x है तो मुझे नीचे भी 3x बनाने के लिए 3 से गुणा करनी होगी। ठीक है, तो गुणा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं लिखूंगा इसको, मैं कहूंगा समीकरण 1, इसको 2। ठीक है, तो विलोपन विधि में मुझे चर बराबर करने हैं। चर बराबर करने के लिए क्या करना है, समीकरण जो जोन से भी जिसमें भी समीकरण, जैसे इसमें 2 है तो यहां पे लिखूंगा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। ठीक है, समीकरण 2 में 3 से गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद समीकरण 2 में ऐसे लिखेंगे इसको 3x प्लस, देखो 3 से गुना कर रहे हैं तो 3x, फिर उसके बाद 3 की 2 में गुना करेंगे तो 3 दुनी 6y बराबर 3 की गुना इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 9। ठीक है ना, तो क्या किया हमने, समीकरण 2 में 3 से गुना करी है, समीकरण 2 ये लिखी हुई है, इसमें पूरे में 3 से गुना करनी है। ठीक है, तो इस समीकरण में हमने 3 से यहां गुना करी, 3x, 3 दुनी 6, 3 तिया 9, ये लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये इस समीकरण को मान लो 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जोन सी समीकरण बन के आई है वो, और साथ में जो समीकरण ऊपर लिखी हुई थे जिसमें आपने गुणा नहीं करी, उन दोनों को साथ में लिख लो। कैसे, यहां पे लिखेंगे ऊपर वाली समीकरण लिखेंगे पहले 3x प्लस वाई बराबर 4। अब जो ये तीसरी समीकरण आई है इसे लिख लो इसके नीचे 3x प्लस 6y बराबर 9। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, ऐसे करना है ये, और यहां पे लिखोगे माइनस करने पर। ठीक है, घटाने पर, तो 3 में से 3 को घटाएंगे तो वो कट जाएगा x। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, यहां पे घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, तभी इनका क्या होगा, विलोप। तो हमें ये देखना है कि घटाने पे विलोप हो रहा है या जोड़ने पे विलोप हो रहा है, या फिर दोनों में से कोई एक चीज करनी होगी, या तो घटाने पे विलोप होगा या जोड़ने पे। अब वो बता देता हूं कैसे, अगर दोनों के चिन्ह सेम है, जिन्हें भी हम क्या करना चाहते हैं, विलोप करना चाहते हैं, उन दोनों के चिन्ह जो है सेम है, जैसे ये प्लस है ये भी प्लस है, तो इन दोनों के चिन्ह सेम थे तो हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। अगर यहाँ पे दोनों में माइनस माइनस भी होता तब भी हम क्या लिखते, घटाने पर। अगर किसी का चिन्ह अलग अलग है, जैसे ये माइनस का हो जाता और ये प्लस का हो जाता, तो और चिन्ह चेंज अलग अलग है तो फिर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे उसे। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या लिखेंगे, यहाँ घटाने पर, तो माइनस लगाया, इसका भी चिन्ह क्या हो गया, माइनस। ठीक है, जब हम लिखेंगे घटाने पर तो जो नीचे वाली समीकरण होगी उसके जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे, इसका माइनस हो गया, इसका भी माइनस हो गया, और इसका भी चिन्ह माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो तीन इसका चिन्ह माइनस है तो 3 में से इन घटाने पे कट जाएगा। अब ये 6y लिखा हुआ है, चिन्ह ये नहीं देखना, अब ये वाला देखना है। ठीक है, माइनस वाला, तो इसका चिन्ह माइनस का है, इसका चिन्ह प्लस का है, तो ये जो y है 1 है, और 6 की ये वाला जो माइनस वाला है वो 6y है माइनस का, तो 6 में से हम 1y को घटाएंगे तो हमारे पास कितने y बचेंगे, माइनस के 5y बराबर, यहाँ पे 9 माइनस का है 4 प्लस का है, तो 9 में से 4 को घटा देंगे तो वो बचेगा 5, और 9 का चिन्ह था माइनस का इसलिए यहां लगा देंगे माइनस। ठीक है, अब माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर 5/5 आ जाएगा, और y की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी। ठीक है, y का मान निकलने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें अब y की जो वैल्यू 1 आई है उसको पहली या दूसरी किसी एक समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो जैसे दूसरी जो समीकरण है वो छोटी है उसमें रख के देखते हैं, तो लिखा हमने y का मान समीकरण 2 में रखने पर,
ठीक है, वाई का मान समीकरण दो में रखेंगे तो कितना आएगा वो, यहां पे एक्स का एक्स लिखो प्लस जो का तो लिखो दो लिखो गुना, ठीक है, वाई की वैल्यू एक है बराबर तीन, ठीक है, यहां से एक्स प्लस दो बराबर तीन, तो ये हुआ एक्स बराबर तीन माइनस दो और बराबर में बचा एक, ठीक है, तो ये आपका एक्स बराबर कितना आ गया एक और वाई बराबर कितना आ गया एक। अब चाहे तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, उत्तर की जांच करके भी देख सकते हैं, कैसे देखोगे, एक्स बराबर एक रखो, यहाँ एक यहां पे आ गया, अब वाई बराबर एक रखो, दो एकम दो तो एक और दो कितना हो गया तीन, तो ये उत्तर की जांच भी आप आसानी से कर सकते हैं। सवाल क्या है इसमें, हम क्या करेंगे, इसको पहले पहली समीकरण मान लो, इसे दूसरी समीकरण मान लो, ठीक है, अब हमें देखना है इसमें एक्स या वाई कोई भी बराबर करना है, सपोज कर लो मैं एक्स बराबर करता हूँ, तो एक्स बराबर करने के लिए देखो इसमें ना कोई ऐसी संख्या नहीं बनती जो एक में एक ही समीकरण में गुना कर दें और ये बराबर हो जाए, तो हम क्या करेंगे देखो, जब ये वाली जो आगे वाली संख्याएं हैं ये कैसी हों, अभाज्य हों, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सात से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और दो से नीचे कर देंगे, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण एक गुना गुना कर दो समीकरण एक में सात से, ठीक है, कोमा और समीकरण दो में समीकरण दो गुना दो, ठीक है, तो समीकरण एक में सात से गुना करेंगे तो सात में पूरे में यही होगी, तो ये लिखा सात दुनी चौदह एक्स सात्या इक्कीस वाई, ठीक है, और तेरह की गुना सात में करनी है, तेरह सत्ते इक्यानवे, ठीक है, इसका नाम रख दो तीसरी समीकरण। अब दो से गुणा करो इस वाले में, दो से गुणा करी सात दुनी चौदह एक्स माइनस दो दुनी चार वाई बराबर बीस दुनी चालीस, ठीक है, दोनों समीकरण लिख ली, चलिए यहां लिखा मैंने चालीस, चौदह एक्स माइनस चार वाई बराबर चालीस। अब क्या करेंगे देखो, अब हमें क्या करना था, एक्स को विलोप करना था, विलोप का मतलब एक चर को हटाना है, तो एक चर को हटाना है तो हम क्या करेंगे देखो, दोनों के चिन्ह क्या है प्लस, जब दोनों के चिन्ह एक जैसे हों तो माइनस करेंगे, जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हों तो हम इन्हें जोड़ लेंगे, तो यहां पे लिखे हैं घटाने पर, जब घटाएंगे तो इनके चिन्ह चेंज कर दो नीचे के, ये माइनस हो गया, इसका चिन्ह प्लस हो गया, इसका चिन्ह माइनस हो गया, ठीक है, क्या करना है चिन्ह चेंज करने हैं, अब इनके चिन्ह ये नहीं है जो नीचे लिखे हुए हैं वे हैं, ठीक है, चौदह का चिन्ह माइनस है ये कट जाएगा यहां से, कटने के बाद यहां पे जो बचेगा देखो 21 माइनस का है और 4 प्लस का है, तो 21 में से जब आप 4 घटाओगे तो यहाँ पे माइनस का 17 बचेगा, अब माइनस कैसे लगाना है, जिसमें से घटा रहे हो उसका चिन्ह लगाना है, ठीक है, बराबर का निशान लगाओ, ये 91 है और ये 40 है, तो 91 में से 40 घटाना है, तो क्या करोगे यहाँ पे लिख दोगे 51, ठीक है, अब वाई बराबर क्या हो जाएगा 51 बटे 17, ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो 17 तिया कितना हो गया 51, तो y की वैल्यू कितनी आई माइनस तीन, अब y का मान समीकरण एक या दो किसी में भी रख लो, तीन चार में भी रख सकते हैं, एक में रख लो, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, तो आपने समीकरण एक में रखा इसका मान y का, माइनस तीन रखना है यहां पे, तो ध्यान से रखो, देखो 2x माइनस तीन, माइनस की जब भी वैल्यू होगी तो माइनस को ब्रैकेट में रख के दिखाओ, बराबर 13, ठीक है, 2x गुणा होनी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तीन तिया नौ बराबर 13, ठीक है, नौ इधर चला जाएगा 2x बराबर 13 माइनस नौ, अब यहां पे 2x बराबर 4, ठीक है, इसके बाद क्या करोगे x बराबर 4 बटे 2 बराबर में आंसर आ गया 2, 2 से 2 को काट दिया, 2 से 4 को काट दिया और आंसर आया 2, तो यहाँ पे y की वैल्यू माइनस 3 आ रही है और x की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है, इसकी भी आप उत्तर की जांच कर सकते हो, ठीक है, उत्तर की जांच करेंगे हम इसकी, देखो ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 13, ठीक है, तो इसके अंदर हमें x और y की वैल्यू रखनी है, y आया माइनस तीन और x आया है 2, ठीक है, तो कैसे रखेंगे 2 गुना 2 माइनस 3 गुना माइनस 3, ठीक है,
यहीं पे रखनी है, बराबर में 13 नहीं उतारना, ठीक है। दो दुनी 4 प्लस 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर में कितना आ रहा है 13, इन दोनों को जोड़ के 13। अगर ये वाली साइड और ये साइड दोनों बराबर रखती है तो आंसर बिल्कुल सही है, नहीं तो कहीं गलती हो गई है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी में भी रख के देख लोगे, 7x माइनस 2y बराबर 20, ठीक है। यहां पे आया 7x की वैल्यू, 7 गुना 2 माइनस 2 गुना माइनस 3, ठीक है। बायां पक्ष ले आयो और इसे लिखा, उसके बाद 7 दुनी 14 हो गया और 2 तिया 6 हो गया प्लस का, ये बराबर आया है 20 के, ठीक है ना। अब ये 20 ये भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, ठीक है। तो अगर हमारा दाया और बायां पक्ष सेम आता है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं गलत हो गया है। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल M4M Mathematics को, और अपने दोस्तों के साथ भी इस प्रकार की वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।